नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। डेढ़ महीने के संघर्ष के बाद पुलिस ने चोरों को पकड़ा, चोरी का खुलासा किया गया। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में हुई एक चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने डेढ़ महीने के संघर्ष के बाद चोरों को पकड़ लिया है। इस मामले के आरोपी एक कियोस्क सेंटर के ओनर के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने इस घटना के बाद पुलिस के साथ मिलकर चोरी का खुलासा किया है। घटना की आरंभिक जानकारी के मुताबिक फरियादी धीरेन्द्र सिंह, जिन्हें पप्पू के नाम से भी जाना जाता है, वे करह खैरागढ़ गाँव के निवासी हैं और वह गाँव के पास एक कियोस्क सेंटर चलाते हैं। चोरी की रात को उन्होंने अपने घर में वापस आने के बाद अपने कमरे में एक बैग में लगभग 5 लाख रुपए कैश और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रख दिए थे। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ रात का खाना खा लिया और उसके बाद कूलर चलाकर सो गए। लेकिन सुबह जब उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो वह देखा कि मुख्य दरवाजा कटा हुआ था और कमरे के अंदर रखा बैग अस्त व्यस्त था। उन्होंने बैग को खोला और देखा कि उसमें सभी पैसे गायब थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कार्यवाही शुरू की। चोरी के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच करने में कई महीने लगा दिए और इसके दौरान मुख्य आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाने का काम था। चोरों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए पुलिस ने त्वरित और सुनिश्चित कदम उठाए। चोरी के बाद चोरों ने अपनी जीवन शैली बदल दी और पुलिस ने मामले की जांच करने के लिए मुखबिरों को भी लगाया, जिनसे कुछ संदेहजनक जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने कई संदेही लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें विवेचना में लिया। चोरी के प्रमुख आरोपी का नाम आशीष उर्फ छोटू द्विवेदी है और उन्होंने अपने गुनाहों को स्वीकार किया है। आरोपी ने बताया कि वे चोरी के दिन दो अन्य साथी संग मिलकर इस घटना को कार्यान्वित किया था और उन्होंने पैसों को आपस में बांट लिया था। इस मामले में चोरों ने बैग में रखे 5 लाख रुपए कैश के साथ साथ चेकबुक, जमीन के कागजात, यूनियन बैंक की एटीएम, पंचिंग मशीन, कई एटीएम और एक पर्स में रखे मंगलसूत्र भी चोरी कर लिए थे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेकर और जांचने के बाद आरोपी आशीष उर्फ छोटू द्विवेदी को गिरफ्तार किया और उन्हें कोर्ट में पेश किया है। इसके अलावा इस मामले में और 2 लोग को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने चोरी की वारदात में साथियों की भूमिका निभाई थी। यह घटना दिखाती है कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की कठिन मेहनत और व्यवस्थित जांच से चोरी जैसे अपराधों के मामलों को सुलझाया जा सकता है। इसके साथ ही इस मामले में चोरों के साथियों को गिरफ्तार करने से चोरी के पीछे के नेटवर्क को भी प्रभावित किया जा सकता है, जिससे अपराध को रोका जा सकता है और न्याय मिल सकता है। इस घटना के बाद लोगों को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है और वे अपने घरों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपायों को अपनाने का विचार करें। इसके साथ ही इस मामले से हमें यह सीखने को मिलता है कि साथ मिलकर काम करने और लोगों के सहयोग से अपराधों को रोका जा सकता है और एक सुरक्षित समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा इस मामले से हमें यह सीखने को मिलता है कि समाज को चोरों और अपराधियों के खिलाफ साझा जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है और हमें अपराधों को सजा देने में सहायता करने के लिए सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। इस घटना के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि आपातकालीन स्थितियों में सीधे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने का माध्यम होने पर गर्व होता है और हमें अपनी सुरक्षा को पहले प्राथमिकता में रखना चाहिए। इसके साथ ही यह मामला दिखाता है कि इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम भारत में एक महत्वपूर्ण टूल है, जिसमें अपराधों को जल्दी से और सही तरीके से खोजा और पकड़ा जा सकता है। इस मामले के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए सलामी जाती है और वे समाज की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इस मामले के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि अपराधों को पकड़ने में हम सभी का सहयोग और समर्थन महत्वपूर्ण होता है और हमें अपराधों के खिलाफ एकजुट होकर काम करना चाहिए। आखिरकार इस मामले से हमें यह सीखने को मिलता है कि चोरी और अपराध के खिलाफ संघर्ष की प्रतिबद्धता और साझेदारी के साथ हम सभी एक सुरक्षित और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।